वी आर क्रिएटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आगे एक जो टूल बचा हुआ है हमारे पास, ये ठीक है, ये हम सीख चुके, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, हमने एज ए टूल और ये बैकग्राउंड टूल एंड मैजिक एज ए टूल, ये बाकी सब ये ग्रेडियंट हम सीख चुके। अब हमें क्या करना है, हमें ब्लर टूल और ये दोनों पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ब्लर पे। ठीक है, ब्लर पे इसका क्या काम है, आपको सबसे पहले क्या करें, आप इसको रिवर्ट कर ले, इसके जो ओरिजिनल इमेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। हमें कई बार क्या होता है, हमें बैकग्राउंड में हमें ब्लर करना होता है और फोकस हमें इमेज को करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे कि यहाँ पे ब्रश ले ले, या हार्ड ब्रश ले ले, या सॉफ्ट ले ले, अपने हिसाब से ले ले। यहाँ पे मैं फिलहाल हार्ड ब्रश लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपको ब्लर दिखाना है, जिसके साइड से ब्लर, इसको आपको ये पूरा ब्लर करना है। ठीक है, बालों के साइड से मान लीजिए इतना आपको ब्लर दिखाना है, ये जो है इसको हम ब्लर कर देते हैं पूरा। ठीक है, बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पर आप ब्रश चला दीजिए तो आप देखेंगे ये पूरा ब्लर हो चुका है। आपको जो फोकस करना है, अगर आप फोकस करने की पूरा फेस पे फोकस हो और बाकी चीज़ें थोड़ा सा कम दिखे और हाईलाइट कम हो, तो आप उस पर क्या करें, ब्लर, इसको ब्लर का ब्रश यहाँ पे चला दे और आप देखेंगे कि ये पूरा ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं आप इसको भी ब्लर कर दे थोड़ा सा तो अच्छा होगा, इसके साथ मैच हो जाएगा एंड लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप इसको कर दे। ठीक है, ये तो इसका ब्लर का काम हो गया। अब उसके बाद ये शार्प टूल, ठीक है, शार्प पेन टूल, इसका मतलब क्या है, ये शार्प करता है, ये अगर किसी भी चीज़ को शार्प करने में, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे इसे ऑयली फेस है या कुछ है, तो यहाँ पे अगर शार्प करना है तो ये बिल्कुल और शार्प कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे और हेल्प ये चीज़ को उभर के आएगा। ठीक है दोस्तों, उभर के ये चीज़ आ रहे हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे यहाँ पे पूरा शार्प हो गया है। ठीक है, ये पूरा शार्प कर देगा यहाँ पे। ठीक है, हम अगर ये शार्प टूल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड हम इस पर ब्रश चलाते हैं, तो हम अगर इसको करेंगे तो पूरा ये इसका जो डिटेलिंग है हमारे सामने आ जाएगा, पूरा इसका जो डिटेलिंग है देखेंगे, पूरा सा डिटेलिंग इसका जो है उसका पूरा शार्पनेस। आप यहाँ पे अगर बार बार इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो ये जो चीज़ है ये हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा रेड जो इसका जो पिंपल्स है एंड ये सारी चीज़ें ना उभर के हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ को शार्प करना है तो हम इस शार्प टूल पे जाके काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जैसे कि स्मूज टूल। यहाँ पे इसका काम क्या है, तो एक्चुअली इसका काम क्या, हम जैसे कि हम इसको किसी को बड़ा करना है, अब मान लीजिए इसे हमें ये बालों को थोड़ा सा सेट करना है और थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। ठीक है, अब ब्रश से लेके आप यहाँ पे अब इसको बढ़ा देना है। ठीक है, अब जैसे कि अब इसको थोड़ा सा ऐसे, अब जैसे हेयर स्टाइल को थोड़ा सा ऐसे करना है, तो हम इसको अब क्या करेगा, वो स्टाइल जो हेयर स्टाइल है वो पूरा नीचे नीचे से लेके, मतलब आपको लगने नहीं देगा कि इन्होंने कुछ एडिट किया है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब यही लगेगा कि इसके साथ का हिस्सा है। ठीक है, तो आप स्मूथ का टूल, ये इसका काम यही है। ठीक है, आप पूरा इसको अलग से अलग करें। ठीक है, तो जहाँ तक आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करें और पूछे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सके हम आप पॉसिबल हो सके हम आपको जवाब जरूर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे डॉज टूल एंड बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल। ठीक है, ये हम तीन टूल है, इसका क्या काम है हम इसको भी बताते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं इमेज में एंड रिवर्ट पे करते हैं। रिवर्ट पे जैसे ही करेंगे वैसे ही पूरा हमारे पास ये इंटरफेस ऐसा आ चुका होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ चुका होगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि ये टूल है इसका डॉज टूल, इसका काम क्या है, अगर किसी भी चीज़ को डार्क हिस्सा है, मान लीजिए इसको ब्रश टूल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये डार्क हिस्सा है, मान लीजिए डार्क हिस्सा, इसको थोड़ा सा लाइट करना है, मान लीजिए थोड़ा सा लाइट करना है। ठीक है, अब जैसे ये हेयर है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करना है। देखिए ये लाइट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये डार्क है, तो यहाँ पे लाइट करना है, मान लीजिए ये लाइट करना है, देखिए ये पूरा लाइट हो चुका है। ठीक है, ये लाइट है, तो हमें किसी चीज़ को है फोकस करने के लिए ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम फोकस करने के लिए ये चीज़ें हम ये डॉज टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये डॉज टूल कहाँ है, जैसे कि ये लिप्स है, तो हम यहाँ पे लिप्स में हमें यहाँ पे दिखाना है, तो ऐसे हेडलाइट करते हैं, हाईलाइट जब करेंगे यहाँ पे तो ये देखेंगे पूरा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद आता है
बर्न टूल। बर्न टूल का मतलब ये है कि इसका जो बर्न टूल है ये पूरा यहाँ पे डार्क, मतलब यहाँ पे डार्क नहीं है तो यहाँ पे डार्क कर देगा। देखिए अब मान लीजिए पे यहाँ पे डार्क दिखाना है, यहाँ पे इस तरह से डार्क दिखाना है, बर्न टूल इसको बर्न टूल ये पूरा जला देगा। मतलब जैसे आपको यहाँ पे जूम करके अगर दिखाएंगे तो यहाँ से लगेगा कि आपको जला दिया है, ठीक है, यहाँ से छोटा कर दे ब्रश को और पूरा जला देगा और पूरा डार्क कर देगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे पूरा डार्क कर दिया एंड पूरा जला दिया है, ठीक है। तो आप हल्का मारेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादा जब कैसे करेंगे तो ये बर्न कर देगा एंड ब्लैक कर देगा, यहाँ पे हिस्सा जो है ब्लैक कर देगा। तो ये हमें जहाँ पे डार्क का हिस्सा थोड़ा सा डार्क करना है दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिखाना है थोड़ा सा डार्क करना है, तो इस हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी हमारा ये जो है स्पॉन्ज टूल, इसका काम ये है, हम जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे स्पॉन्ज टूल हमें जैसे ये करते पूरा हमारा ये स्पॉन्ज इसका पूरा एक पूरा ब्लैक, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा। मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है, मान लीजिए कान को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है, तो आपको क्या करना है, कान पे ब्रश चलाना है एंड आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, पूरा कान को इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, ठीक है। इसको कान को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, ठीक है इसको। तो दोस्तों ये इस तरह से आप टूलों का यूज़ करें एंड प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना ना भूले, प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी सवाल अगर रहता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी आर क्रिएटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा दें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।